absolutely brilliant. एक थप्पड़ लग जाता अगर हम इस तरह के सवाल पूछते. He's the director of the film and he knows best. And I think जो भी decision उन्होंने लिया, it's fantastic. बहुत खूबसूरत लग रहा है नहीं? नहीं सर से बात भी हुई थी कि सर why aren't we doing this in India? He said यार मैं बड़ी पिक्चर बनाता हूँ यार. I do Ravan and all of that. I make big films. और ठंड में शूट करने का मजा ही कुछ और था. So it was we wouldn't have it any other way. I know, पूरियां खा लो फिर हजम भी हो जाती है ना, क्योंकि जहाँ मौसम अच्छा है तो थोड़ा अमृतसर जैसा. बट यू नो थैंक यू गाइज, यू एब्सोल्युटली लुक ग्रेट इन द मूवी. यू आर अ टाइक्वांडो एक्सपर्ट. मैंने सुना कि मतलब हीरोइन की जान खतरे में तो आप हमेशा से सीना तान के उड़ उड़ के मारे मैंने वहाँ पे बहुतों को. Have you seen the first movie, Neha? मतलब देखा कि मतलब इसमें से कुछ हम उठाएं इसको, मतलब यू नो द मूवी वॉज अ लेजेंड पहली वाली. Of course I've seen it and it's a fantastic film. लेकिन मतलब इट विल बी टू बिग अ थिंग टू से व्हेन आई से मैं कुछ उठाऊं, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है. बट ऑफ कोर्स आई हैव लव्ड द फिल्म एंड आई इन माय हेड न्यू कि आई डोंट हैव टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द फिल्म बिकॉज दिस इज अ टोटली डिफरेंट फिल्म एंड क्लासिक्स यू डोंट टच. सो यू नो वी वर वेरी केयरफुल दैट हम ऐसा कुछ ना करें बिकॉज द ऑडियंस आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स दैट फिल्म. यू नो क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं सेइंग I hope aap Sandali ko match up kar paye and all that because there are such ardent fans of Tumbin. The first movie, yes. Yeah. So this is different. One beautiful girl, do matlab absolute handsome hunks in a stubble. Kabhi kabhi real life mein bhi aisi situation ho jati hai. Tab aap sabko batana chahte hai ki real life mein kya karna chahiye? Aapko bada cool play karna chahiye ya go get the girl karna chahiye? I definitely feel go get the girl karna chahiye because wo khelte khelte aap bulao. और उससे गाना गवाओ, ऐसा गवाओ कि मतलब अगले सारे डब स्मैशेस उसी पे बने. ये फॉर्मूला एकदम अनुभव फॉर्मूला है. ऐसा नहीं क्यों बदनाम कर रहा है मैं. और भी है ना, तुम्बिन टाइटल ट्रैक है, गजल है, जगजीत जी हैं. एक्चुअली मुझे जो सबसे ज्यादा इंसान मिस हुआ है तुम्बिन बना, एक्चुअली मैंने पूरी टीम को बहुत मिस किया जिसके साथ तुम्बिन वन बनाई थी, लेकिन जगजीत जी के साथ मैंने कुछ वीडियोज भी किए थे. उनसे एक मेरा अजीब सा अलग सा रिश्ता था और उनको मैंने बहुत मिस किया. मतलब अगर आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन देखें तो साल में कई बार ऐसा होता है मैं यूं ही लिख देता हूं कि क्यों चले गए आप, आपको नहीं जाना चाहिए था. तो मैं उनको बहुत प्यार करता था उनकी. एक्चुअली मैंने गज़लें सुनना, मेरा पोएट्री में रुझान सिर्फ जगजीत सिंह के कारण हुआ क्योंकि मैंने 13-14 साल की उम्र में जगजीत सिंह को सुनना शुरू किया. फिर देन आई ग्रेजुएट, नॉट ग्रेजुएटेड बट देन आई वेंट ऑन टू हियर बेगम अख्तर, मेहंदी हसन, गुलाम अली साहब, बहुत सारे लोग. तो उनको मैं बहुत सारा प्यार आज भेजना चाहता हूँ. और ये बड़ा मुश्किल काम था कि उस गज़ल को रिक्रिएट किया जाए, उसको दोबारा से लिखा जाए जो शकील साहब ने बहुत कमाल लिखा है. इवन इफ आई से सो, मुझे यकीन है कि आप लोग भी ऐसा बोलेंगे. बट वी मिस हिम, वी लव हिम एंड आई होप ही इज समवेयर हियर वॉचिंग इट. और उस लेजेंडरी आवाज़ को वो कुछ सेकंड्स के लिए जो सुना, मेरे रोंटे खड़े हो गए. उस आवाज़ के लिए एक बार जोरदार, दैट वॉइस. कैन वी प्लीज स्टार्ट द क्वेश्चंस? हाय अनुभव जी, आलोक आपके सामने. मेरा सवाल है कि वन के बाद जब टू आएगी तो तुलना होती है, और तुलना के लिए आप कितना तैयार हैं? तुलना के लिए तैयार हो नहीं सकते यार, अच्छी फिल्म बना सकते. उसका एक तनाव और दबाव है क्योंकि वो रोज ट्विटर पे बहुत सारा प्यार है. उस प्यार में एक बहुत प्यार भरी धमकी भी है कि गाने उतने अच्छे हैं ना. तो कल अंकित ने एक बड़ा अच्छा सा एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें लिखा कि तुम्बिन से अच्छे गाने बनाने की कोशिश नहीं की है, अच्छे गाने बनाने की कोशिश की है. तो हालांकि उस फ्रेंचाइज की फिल्म है, दबाव तनाव हाँ व्यक्तिगत है, मेरे ख्याल से सबके ऊपर है. इसको आप संदली जैसा कर पाएंगी, आप प्रियांशु जैसा कर पाएंगे, वो सारे दबाव हैं. लेकिन उससे डील नहीं कर सकते ना, कैसे डील करें उसको. बस आप अपना बेस्ट कर सकते हैं और मेरे ख्याल से अपना बेस्ट हुआ है. भूषण जी, अगर मैं तुम्बिन को याद करूँ तो उस समय कैसेट्स भी आए थे, डायलॉग से भरे हुए कैसेट्स आए थे, गाने आते थे, सब कुछ आता था. तो वो उस दौर के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे कि वो कैसा, किसका आइडिया था उस डायलॉग्स वाले कैसेट्स? सी उस दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक भी रिलीज होता था, डायलॉग्स भी होते थे, सॉन्ग्स भी होते थे. सो वो एक समय था जिस टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे नहीं. सो एवरीथिंग वाज फिजिकल सेल्स. तो फिजिकल फॉर्मेट में जितनी चीज़ें, उस टाइम सीडी भी नहीं थी, नहीं सीडी थी एक्चुअली, उसी टाइम लॉन्च हुई थी. तो सब चीज़ें लोग फिजिकल फॉर्मेट पे ही सुनना पसंद करते थे, अनलाइक टुडे. आज सब चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना है या जो भी चीज़ चाहिए. सो वो एक दौर मिस करते हैं क्योंकि वो बहुत ही हैंड्स ऑन रहता था. कोई भी चीज़ आपको बनानी है, आप फिज़िकली उसको
सर्कुलेट करो, आपको 3 दिन में मालूम चल जाता था कि ये गाना हिट हो रहा है या म्यूज़िक हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो वो एक चीज़ है जो मिस की जाती है, लेकिन वी हैव टू रन विद टाइम्स. आज टाइम बदल गया, आज कैसेट्स तो ख़त्म हो गई हैं, सीडीज़ भी ख़त्म होने वाली हैं. सो दैट्स इट. और मुझे कास्टिंग के बारे में अगर थोड़ा आप जिक्र करेंगे, किस तरीके से 2 की कास्टिंग हुई? वही मतलब एक तनाव. मुकेश छाबड़ा पता नहीं आया कि नहीं आया, बोल तो रहा था नहीं आया. तो मुकेश छाबड़ा साहब को बोला गया कि हमको 2 नए लड़के और 1 नई लड़की चाहिए. तो आपको ये जान के हैरत होगी कि ऑडिशंस एक्चुअली चले बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक हम देखते रहे. बट 3 में से 2 एक्टर्स, उस डिटेल में नहीं जाते हैं, बट 3 में से 2 एक्टर्स फर्स्ट टेप में आ गए थे. पर यू नो आप ढूंढते रहते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं हुआ, एम आई डूइंग माई बेस्ट. तो वो एक सिलसिला चलता रहा. पर मुझे अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता. मैं जैसे मुझे मैं मानता हूँ कि मैं बहुत पॉम्पस हूँ, पर शायद हूँ नहीं उतना. लेकिन जो काम इन तीनों ने किया है, मुझे पता नहीं कि मैं और किसी 3 एक्टर से ये काम करा सकता था कि नहीं करा सकता था, जितना अच्छा इन्होंने काम किया. Hi Neha, this is Ashi from Music India. Hi. Neha, आप 2 साल बाद almost आर यो बिग स्क्रीन पे. नहीं, इससे पहले रिलीज हुई थी जो शॉर्ट फिल्म, मूवी की बात करें तो कितना एक्साइटेड हो और कितना प्रेशर भी है आपके ऊपर? जो भी नई फिल्म होती है, whenever I start, मैं बहुत नर्वस होती हूँ क्योंकि प्रेशर होता है. आई मीन आई ऑफ कोर्स हैव वे मोर प्रेशर देन एवरीबडी एल्स, क्योंकि नहीं सर आपका भी है थोड़ा, बिकॉज सम हाउ आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक इट, आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड एंड टू माई सेल्फ दैट यू नो दैट देयर इज अ सर्टेन ड्रीम दैट आई हैव फॉर माई सेल्फ. सो विद एवरी फिल्म इट्स ट्राइंग टू अचीव दैट. तो नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. Hi, this is Faridun from Bollywood. Neha, this is the first time that you're the most recognizable face in a movie, and somewhere the entire onus is on your shoulders. How do you look at this? Because there'll be like phenomenal promotions as well. The music looks amazing. How do you look at that? First of all, I want to thank 3 people, 4 people majorly for this. Mukesh Chhabra, obviously the casting director of this film, who actually gave me this opportunity, because sometimes with your films not working, there's not so much faith in your talent, you know what I mean. And Mr. Ajay Kapoor, who showed so much faith, Mr. Bhushan Kumar, who showed so much faith, and of course Anubhav Sinha, who actually cast me in the film. So first I need to thank these people who could see talent when not everybody could see it. Then again, you know, taking that gap for 2 years was something that I decided, because I wanted to make sure I do something that's potentially something that my audience wants to see me in, I want to see myself in, and there is something to do in the film, just not hang around, dance behind the trees, you know, the regular girl in the film kind of stuff. So this is a film where I have the opportunity to showcase my talent, and I'm really utterly grateful to all the people who thought that I could. So I am thankful, but at the same time, I'm so very nervous, because this is the first time where I've got that opportunity to show what I can do. So now it's for the audiences, for all you guys to tell me how you like it. Yeah. Aditya, Ashim, mera sawal aap dono se hai. Pehle to kya mujhe hi lag rahe hain ya baki ko bhi lag rahe hain ki aap dono ek jaise lagte hain chehre mein? Nahi, yeah, I think pehli baar hi sun raha hu main. Acha. To aap dono ka kaisa experience raha, agar aap alag alag bataen while shooting with Anubhav? Firstly, huge thanks to sir. Huge thanks to everybody out here. And मैं सोच के आया था कि मैं क्या बात करूँगा सर के बारे में, बिकॉज देयर्स टू मच टू टेल. एक होता है दैट वेन यू हैव अ बिग डायरेक्टर ऑन बोर्ड एंड वेन यू आर न्यू कमर, तो द डायरेक्टर ट्राइज टू से कि ये चीज़ सही है, इसको इस तरीके से करो. बट सर बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे. ही वॉजन्ट अ डिक्टेटर, ही वॉज मोर लाइक वी वर्किंग ऑन अ डेमोक्रेटिक सेट. तो अगर मुझे कुछ डाउट होता था या मुझे कुछ कन्फ्यूजन थी, तो सर बहुत अप्रोचेबल थे. मैं जाता था सर के पास, मैं कहता था कि सर ये कन्फ्यूजन है, और could I do it this way? तो या तो 2 options थे, या तो सर वुड कन्विंस मी और आई वुड ट्राई एंड कन्विंस सर कि मे बी इवन दिस कैन वर्क. तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर एन एक्टर, बिकॉज इट लेट्स यू ग्रो एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर. एंड अगर आपने टीजर में भी देखा होगा द काइंड ऑफ लाइन्स दैट आर इन द फिल्म, कि लाइफ में जो हम चाहते हैं और जो हम चुनते हैं, उसके बीच में हमारी कमजोरी छुपी होती है और कभी कभी ताकत.
this line when I read for the first time. Sir ne mujhse pucha ki aapko kya lagta hai iske bare mein. Maine kaha sir A, B and C. He said fair enough. But isme A, B, C, D, E, F till Z hai, jo sir ne mujhe bataya. So that helped me as an actor and as a person to grow. So hats off to him. Thank you so much, sir. Acha, abhi sachi wala bata de. Sir, paise to isi ke mile the. Agar aap bhi. Yeah, first of all, again, thank you very much, Anubhav sir, for giving Aditya and I and everybody this opportunity. It was a fantastic experience for me. It's been such a joyride. And I think Aditya has covered pretty much everything. Tu meko bolne ka mauka nahi diya isne. But working with sir was so easygoing because from the day one, jab hamari workshops shuru hui, we were so well prepared. Jab hum set pe gaye, hume kuch karne ki zarurat nahi padi zyada because hamari workshops mein we covered pretty much everything and he made sure that we did that. To jab hum gaye set pe, jab humne shooting karni shuru hui, there were very few times jab mere dimag mein ek scene tha jo mujhe samajh nahi aa raha tha ya सर को सर के लिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था तब हमारे बीच में वो थोड़ा तनाव था कि यू नो ही वुड टेल मी कि प्लीज भूल जा बिकॉज इट्स स्टक और देयर आर वेरी फ्यू टाइम्स दैट हैपेंड बट अदरवाइज इट वाज ऑल अ केक वॉक बिकॉज ही हैड प्रिपेयर्ड अस सो वेल एंड इट्स अ ट्रीट फॉर अ न्यू कमर स्पेशली लाइक मी बिकॉज ये मेरी पहली फिल्म है तो इट वॉज एब्सोल्यूट अ केक वॉक बिकॉज ही जस्ट मेड इट वेरी इजी एंड उसके बाद बस We didn't have to do much, to be very honest. मैं सच्ची बता रहा हूँ लोग झूठ बोल रहे हैं। एक सवाल अंकित से भी होगा मेरा। अंकित, हमने टीजर में दो तीन पीसेस भी देखे लाइक एक गजल वाला था लाइक कोरी फरियाद की शुरुआत भी थी और जगजीत साहब तो नहीं है लेकिन रेखा जी की आवाज भी हमने सुनी उसमें तो किस तरीके का ओवरऑल अगर आप थोड़ा म्यूजिक के बारे में आज बता दें फिर एक कोई और प्रेस कॉन होगी भी सर एक सेकेंड सर या आपका क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर जगजीत जी की आवाज मैं एक्चुअली सोच रहा था ऊपर आऊं कि यहां से बोलूं तो अंकित मेरा सवाल है कि हमने कोई फरियाद का एक पीस भी सुना स्टार्ट में देन रेखा जी की आवाज देन जगजीत साहब का सो ओवरऑल म्यूजिक जब आपको दिया गया अनुभव की तरफ से तो कैसा अनुभव आपका रहा सर जब तुम बिन टू का म्यूजिक की बात शुरू हुई तो बहुत ही डरा हुआ अनुभव था मेरा मैं एक दो चीज़ों को लेके बहुत डर गया था सबसे पहले ये जो गज़ल की बात आती है और भूषण जी से भी बात हो रही थी अनुभव सर से भी बात हो रही थी तो ये हुआ कि इसको हम लोग रिक्रिएट करते हैं तो वहाँ एक मुझे यू नो हल्का सा डर हुआ क्योंकि वो गज़ल सबकी फेवरेट है और हम फंस रहे थे कि यार सिंगर्स का क्या करें किसको लाएं जगजीत जी तो यू नो उनकी जगह कौन गाएगा कैसे कैसे हम कंप्लीट करेंगे वो जगह तो फिर हम एक बार हम अनुभव जी के साथ बैठे हुए थे रूम में और म्यूजिक सिटिंग चल रही थी तो उसमें डिस्कशन हुआ कि क्यों ना हम यू नो जगजीत जी की आवाज़ ही यूज़ करते हैं और फिर हमने पता किया कि पुराने टेप्स सर के पास थे और एक बहुत बड़ी खासियत है मैं टी सीरीज के लिए जरूर आई वांट टू थैंक द टी सीरीज टीम की इतने खूबसूरती से मुझे वो पूरा टेप जगजीत जी की आवाज साल कितने हो गए 16 साल हो गए 16 साल पुरानी आवाज अभी भी रखी हुई है सो उसके लिए आई थिंक तालियां तो बनती हैं इट्स अ वेरी बिग थिंग और मुझे जानकर सर अब एक बात आपको और बता दूं मुझे आवाज मिली है इक्यू है उसमें रिवर्ब लगा हुआ है वो उसमें वो न्यू प्रॉपर जितने भी वीएसटी प्लगइन्स थे उस वक्त वो यूज हुए हैं एक हुआ आवाज मिली और एक हमें टेप भी मिल रहा है जो रॉ फुटेज है आई डोंट नो सर ये तो पूछना पड़ेगा सर से कि कहाँ रखा था कैसे रखते हैं आप लोग वो सब याद था वो मुझे मिल गया है फिर हमें उनके कुछ जो जो शेर हमें लगे इम्पोर्टेंट सर हमने कितने 6 शेर यूज़ किए और उसके बाद यू नो सर ने पूरे रेखा जी ने गाया देन हमने कोशिश की है कि मीनिंग चेंज ना हो और स्टोरी के साथ साथ वो अच्छे से जाए सो या दैट्स इट Anubhav ji, in any love story, you have to have like
dialogues that stay with you and that becomes like something for the longevity part of it. You have a very interesting dialogue, pyar reasonable nahi hota, bas bewajah hota hai, which definitely stays with you in the first viewing itself. Could you tell us something about this particular dialogue and who has written it and if you have more such dialogues in the film? Saathvi picture mein pehli baar title liya, written and directed by. So that answers the second half of your question. Pata nahi yaar, main na Banaras mein bada hua hoon, jahan pe paan ki dukaan mein bhi king karte hue mood jaise shabd ka istemal ho jata hai. 90% logon ko samajh nahi aaya hoga maine kya bola. एक हिंदी का शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसका मतलब होता है समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. हिंदी का शब्द है, संस्कृत का नहीं है. वो पान की दुकान पे आपको ये शब्द मिल जाएगा. एंड देन आई स्टडीड इन अलीगढ़, एंड जैसा मैंने बताया 13-14 साल की उम्र से गज़लें सुननी शुरू की जगजीत सिंह साहब के थ्रू, और फिर मैं अलीगढ़ पहुँचा तो फिर मैं बहुत दूर भी निकल गया उर्दू भाषा के साथ. आपके वालिद साहब से भी मुलाकात का एक सिलसिला रहा है अलीगढ़ में. आई हैड द फॉर्चून टू sit with, be in the same room with him. And तो हाँ, वहाँ से थोड़ी सी भाषा वो आई, तो हिंदी और उर्दू दोनों को थोड़ा थोड़ा जानने का मुझे सौभाग्य हुआ. और मुझे लगता है वो मेरा अपना चरित्र है शायद, जो भाषा में, फिल्म की भाषा में आपको दिखता है. आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो लाइन मेरी बड़ी प्रिय लाइन है वो आपको अच्छी लगी. मुझे आशा है कि जैसे ही ये टीजर इस कमरे से बाहर निकलेगा बाकी लोगों को भी अच्छी लगेगी. आदित्य हाशिम, सेंटर. जब कोई न्यू टैलेंट बॉलीवुड में आता है तो वो किसी को एडमायर करता है, कोई उसका आइडल होता है, तो आपका आइडल कौन है? आई थिंक सारे न्यू एज जितने भी एक्टर्स हैं, दे आर ऑल वेरी गुड. आई रियली लाइक रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, द एनर्जी दैट ही ब्रिंग्स, ऑल दीज न्यू एक्टर्स, देयर एनर्जी इज फैंटास्टिक. सो आई थिंक दैट्स द आइडिया, वो ही उसी एनर्जी के साथ जस्ट इम्बाइब दैट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. देयर इज नो क्वेश्चन कि मतलब they're all very, very good. So it will be wrong for me to say that, keep, you know, but if I really, really like somebody, I would definitely say Fawad Khan. Unka jo thehrav hai and the way he talks and even his acting, I really admire him. So yeah. I actually follow Ranbir Kapoor a lot because he's got everything, the way he acts, the way he performs and everything. Uske alawa, I admire Hrithik Roshan a lot. Nobody dances like him, and there are quite a few actually. Agar dekhe jaye to breakdown karna padega. Romance, nobody can do like Shah Rukh sir. The style, nobody has like Salman sir. So it's actually a mixture jo har ek se lena padta hai. And but yeah, these are the people I follow. And there's one more guy, he's huge, Will Smith, who I idolize. Yeah. And Neha, tell us one thing. What made you to choose this script? Because आप दो साल के बाद ये स्क्रिप्ट को चूज किया हो, तो ऐसी कौन सी खास बात आपने देखी? एक्चुअली जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या खास बात है. बट इट इज सो सिंपल, द नैरेटिव इज सो सिंपल एंड सो ब्यूटिफुली सेड इट एंड सच अ ह्यूमन स्टोरी दैट इट विल टच योर हार्ट एंड इट हैज टू टच एवरीबॉडीज हार्ट. सो व्हेन आई रेड इट आई फेल्ट लाइक दैट दिस इज समथिंग स्पेशल एंड आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो आई गेस the story, the screenplay, everything, and of course the setup, the director, the production house, all that, of course. But it's a human story which should connect to everybody, just like it did with me. Hi, Surbhi from Genius. Mera sawal Bhushan sir se hai. Ravan mein kaun ne gana gaya tha, Chamak Chalo, jo ki bahut hit hua tha. To kya is movie mein bhi humko wo song koi unka sunne ko milega? Actually, we are trying something for us flavor ka kuch ek fusion gana jo English aur Hindi mix karke bane, uske liye hum kuch try kar rahe hain, which we will reveal it soon. Kaun hi gayenge abhi? Under wraps hai, we will decide soon. Mujhe Rishi Kapoor ke ek sawal ka jawab dena hai. Bole khar danda mein aur बांद्रा में लव स्टोरी नहीं होती क्या? उधर बर्फ नहीं गिरती भाई, बर्फ गिरती तो रोमांस आता है. बर्फ गिराओ, मैं उधर बनाता हूँ. हाँ सर, वही होता है ना कि मतलब मैं इधर बैठे बैठे सोच रहा था एंड आई वांटेड टू आस्क अंकित कि किसी ऐसे यू नो बाहर के स्टार को लाके गाना गवाना, उसको हिंदी सिखाते वक्त आप अपने बाल खींच लेते हो या वो आपके बाल खींच लेता है? व्हाट इज द टफ पार्ट? डिपेंड करता है कि हिंदी आपके बाल तो अच्छे हैं. हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने अपने नहीं खींचे. उनके भी बाल देख लो, समझ में आ जाएगा किसने. डज ही सिंग लाइक दैट?
Yeah, he's Bravo ki baat kar rahe hain, I'm sure. Yes. So I think kuch cheeze aisi hoti hain music ki agar baat kare jo bahut basic hoti hain jisko koi bhi guru sikha nahi sakta hai. Wo hoti hai ki ek rhythm mein hona 1 2 3 aur ek note pe gana hame pata hona chahiye ki hum galat ga rahe hain ya sahi ga rahe hain. Itna agar hame pata hai to hum aage seekh sakte hain. Ye basic hai. To usko utna pata hai. Uske notes galat nahi hain aur uska you know rhythm perfect hai. To ye itna kafi tha baki pakadna kyunki unka champion bahut hit hai hum sabko pata hai. To aur maine unke sath perform kiya tha Bollywood champion ek Hindi version banaya tha unke sath to wahan se hamari dosti hui thi. So yeah, fir hum log ne discussion kiya sabse, then humne dub kiya hai Bravo ko. Let's see. एक और सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा. मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था आपके पास कड़क डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, लोकेशंस एवरीथिंग. आप ये मूवी कोई भी नाम के साथ रिलीज कर सकते थे. व्हाई यू तुम्बिन ओनली? ये बहुत अच्छा सवाल है. एक्चुअली नहीं है. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये फिल्म की तो बर्थ ही तुम्बिन के साथ हुई है. सो इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि पहले कहानी चुनी और फिर तुम्बिन चुना. ये मतलब मैं और भूषण जी बात करते रहते हैं दूसरी फिल्मों की भी, लेकिन ये जो एक वार्तालाप था ये स्पेसिफिकली तुम्बिन के मुतालिक था कि तुम्बिन मनाते हैं. और इनकी पहली फिल्म थी तुम्बिन, भूषण जी की. ज़्यादा लोगों को याद नहीं, इन्होंने 50,000 फिल्में बना दी उसके बाद तो लोग भूल गए, लेकिन तुम्बिन इनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी. तो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल थी. मेरी माँ को बहुत पसंद थी ये फिल्म. अनफॉर्चुनेटली वो मैं उनको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन तो उनके लिए भी है. तो ये शुरुआत एक्चुअली तुम्बिन बनाते हैं से हुई थी और फिर तुम्बिन के लिए कहानी लिखी थी. उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई भी और लव स्टोरी बना के उसको तुम्बिन नहीं कह सकते. तुम्बिन से कुछ चीज़ें कुछ लोग अपने साथ लेके गए थे और 15 साल अपने साथ रखी हैं कुछ चीज़ें. वो चीज़ें दोबारा डिलीवर होनी चाहिए. वो सबसे बड़ा चैलेंज था जो मुझे ऐसा फील होता है कि हुआ है. अब वो 18 नवंबर को पता चलेगा, 17 से पता चलना शुरू हो जाएगा एक्चुअली. अंकित जी इधर. आपके पास जब कोई फिल्म आती है तो आप पहले उसके म्यूजिक बनाना पसंद करते हैं या गाने लिखने के बाद उसके अनुसार म्यूजिक बनाते हैं? सर डिपेंड करता है. कभी कभी लिरिक्स पहले मिल जाते हैं तो हम म्यूजिक बना देते हैं. कभी कभी ट्यून तैयार हो जाती है तो हम मनोज जी को दे देते हैं. मनोज जी ने बहुत खूबसूरत गाने लिखे हुए हैं इस फिल्म के. और बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इसका कोई रूल नहीं है. एग्जैक्टली. कभी कभी क्या होता है कि मनोज ने गाना लिखा, अंकित ने कंपोज किया, धुन बन गई, अचानक मनोज ही कह रहा है कि नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा मुझे, मैं इसको दोबारा लिखूंगा, तो वो दोबारा लिख देगा. या मनोज ही नहीं, कोई भी लिरिसिस्ट. ये बहुत एक बड़ा गिव एंड टेक प्रोसेस. और म्यूजिक लेके आई थिंक प्री प्लान करना गलत है. आप जैसा मूड है वैसा बस आप करते जाइए, बहुत अच्छा होता है. इस फिल्म के लिए अनुभव जी को संतुष्ट करना कितना मुश्किल था या क्या बीजू को लेकर? अब ये अनुभव बताएंगे कितने संतुष्ट. मुझे राक्षस की तरह क्यों साउंड कर रहे हो? उसका अनुभव सॉरी. इसका जवाब इतना सा है कि मुझे नहीं लगता किसी भी गाने के लिए एक या दो से ज्यादा ऑप्शन बने हैं. गाना बना है और मुझे अच्छा लगता है गाना बनने के प्रोसेस में रहने का. तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि आप गाना बना के लाइए फिर मुझे सुनाइए फिर मैं बोलूँगा अच्छा बुरा. तो मैं गाने की बनने के प्रोसेस में होता हूँ तो उसका इंसेप्शन स्टेज से मेरा खुद का एक इंडोर्समेंट और रिश्ता होता है. तो मैं अगर ये बोलता है कि मैंने परेशान किया तो झूठ बोल रहा है. नहीं, मैं इस तुम्बिन टू की म्यूज़िक की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जरूर शेयर करना चाहूँगा. इसका म्यूज़िक जो इतने गाने बने हैं सर, साढ़े छः इन द सेंस की मतलब छः तो ऐसे प्रॉपर बॉलीवुड गाने हैं और एक गाना है जो बहुत स्पेसिफिकली एक सीन के वो तो गाने की तरह ट्रीट नहीं किया गया है पर उसको गाना है और वो सबको बहुत पसंद है. अभी गाना हो चुका है वो. और पूरे म्यूजिक हमारे बनने के प्रोसेस में मैं एक बात कहना चाहूँगा, मतलब ये म्यूजिक कंपनी है वो अलग बात है, लेकिन भूषण जी के जो कान हैं उनका मैं बहुत कायल हूँ. तो मैं और अंकित गाना बना के और फिर उसके बाद ये क्योंकि हमारी पहली ऑडियंस होती है भूषण कुमार एंड वी बिलीव ही हैज गॉट अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक. सो व्हेन वी प्ले इट टू हिम देयर इज ऑलवेज एंग्जायटी, इज इट रीचिंग टू द ऑडियंस और नॉट.
And so that association is, you know, besides the process of making the song, and I'm not saying because he's Bhushan Kumar and he's the owner of T-Series and all of that, I'm actually talking about it as a collaborator. And you know, nobody asked me this question, I needed to say this. And then Paul came, Ankit could mix Nivija, sir. And this is a very good thing, sir, that the process is so much, demo, lyrics, how much final was, antarik lyrics, mughlik lyrics, leave antarik lyrics, bhi sir, एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बोलना चाह रहा था, इसका म्यूजिक जैसे जितना मैंने सुना है पहले म्यूजिक बनता था कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट साथ में बैठते थे और म्यूजिक सेटिंग होती थी। फिल्म का म्यूजिक ऐसे ही बनाया मैंने, इस फिल्म का एक भी गाना घर पर बैठ के यू नो सर मैं भेजता हूँ आपको मैं भेजता हूँ ऐसा हुआ ही नहीं है। हम लोग एक ही जगह पर बैठे हैं, भूषण जी सामने अनुभव सर सामने बैठे होते थे और हम लोग गाने बना रहे होते थे और गाने वही लोग होते थे। सो ये मेरे लिए एक नया यू नो नया एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को लेके। अनुभव या स्ट्रेट तुम्बिन वाज अ ग्रेट लव स्टोरी यू नो विद ग्रेट म्यूजिक व्हाट हैव यू रिटेन्ड फ्रॉम तुम्बिन एंड डू यू थिंक दैट यू नो यू आर कैशिंग ऑन द टाइटल एज वेल साउंड नेगेटिव Yes and no. I mean, one would end up cashing in on the success of the first one. That's why you make the second. But I don't think it's a very negative endeavor. It's you can also look at it as a tribute to your own creation. That is the second half. First half, kya tha, madam? Sorry. Kya kya retain kya hai? Wo bada mushkil hai batana. Matlab, abhi main batane jaunga, to wo bahut clinically mujhe aapko bahut sare details is film ke batane padenge jo mujhe is samay nahi batane chahiye. बट आप मैं ये वादा करता हूँ ऑडियंस से कि आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आप एक नई फिल्म देख के निकलेंगे लेकिन आप तुम भी देख के निकलेंगे तो ये रिटेन किया है। अनुभव सर सामने आपके मेरा सवाल था कि रावण भले ही दर्शकों को इतनी पसंद नहीं आई हो लेकिन जो रिस्क लिया गया था लोगों ने तारीफ की थी फिल्म की तो क्या आगे चलकर भी आप कोई सुपर हीरो नेचुरल पावर पर कोई फिल्म बनाने वाले हैं या प्लान आउट किया है? ये बात बात करेंगे आज तुम की बात करेंगे अंकित अगर दो लाइन आप कोई भी गीत गुनगुना दें तुम्बिन का या तुम्बिन टू का लेकिन प्रेस कौन को अंजाम दे सकते हैं गाना सुना देंगे सर वन वाले का आज मैं आप लोग रिकॉर्ड करके फिर बजाओगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे हमारी वाट लग जाएगी वन वाले जितना मतलब जितना हमने जोना है मैं उतना यारा तुम बिन जीने में सांसे चुभे सीने में तुम बिन